तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बाहर आफियत होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये 9th क्लास, आज हमने सफ़ा नंबर 2 से अपनी स्टडी का आगाज़ करना है। ठीक है, सफ़ा नंबर 1 पिछली वीडियो में आपको समझा दिया गया था क्या ग्रामर वर्क है। ग्रामर वर्क मैंने बताया था आपको कि इसकी डेफिनेशंस लिखने के लिए नहीं आती, सिर्फ आपको MCQs की सूरत में डेफिनेशन दे दी जाती है, पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन किस की है। ठीक है, या मुख्तलिफ सवाल के तरीके को चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसके मुताबिक आपने मेरी बात को अच्छी तरह से गौर से सुनना है, उसको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, तो सफ़ा नंबर 2 पे सबसे पहले आ जाती है इसम की किस्में। ठीक है, इसम की कितनी इकसाम? 2। ठीक है, इसम ज़ात, इसम सिफत। ठीक है, अब इसम ज़ात और इसम सिफत की वजाहत सुनिएगा। ठीक है, आपने इनको इस तरह से याद करना है, कभी हो सकता है मिसाल पूछ लिया करते हैं कि इसम ज़ात की इसमें से मिसाल कौन सी है। ठीक है, तो आपने ये, या इसम सिफत की मिसाल कौन सी है, तो आपने मिसालों को भी साथ अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा है कि स्टार्ट करें। इसम ज़ात, वो इसम है जो किसी वजूद और हकीकत को ज़ाहिर करें। ठीक है, ज़ात है ना, ज़ात से ताल्लुक़ है, जैसे महमूद, कलम, दीवार, उसके हकीकत को। दीवार है तो एक हकीकत, दीवार है सामने, वो हकीकत में दीवार है। कलम है तो हकीकत में कलम है, महमूद नाम है। ठीक है, इसी तरह है इसम सिफत, वो इसम है जो किसी की अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर करे, जैसे नेक लड़की, तेज़ घोड़ा, इस तरह। ठीक है, मुस्लिम मिसालें, यानी कि जिसमें तारीफ़ की जाए किसी की अच्छी या बुरी बात की। ठीक है, तो इसके बाद है इसम की इस्तेमाल के लिहाज से किस्में। ठीक है, पहले इसम की किस्में थी 2, अब है इस्तेमाल के लिहाज से कितनी किस्में हैं, ये सवाल आ जा सकता है। कितनी किस्में हैं? तो 2 हैं, ऑप्शन पूछी जा सकती है, 1 है, 2 है, 3 है, जैसे भी है, तो आपको पता होगा तो आप बता देंगे। इसम मारफा और इसम नकरा। इसम मारफा क्या होता है? वो इसम जो किसी ख़ास चीज़, शख्स के, जगह के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, जैसे कोहे हमालिया, बांगे दरा, इनके लामा इकबाल की मशहूर किताब है। ठीक है, बांगे दरा, कोहे हमालिया पहाड़ है, लाहौर, महमूद, ये सब इसम ख़ास हैं। ठीक है, तो इसम मारफा कहलाते हैं। उसके बाद है इसम नकरा, वो इसम है जो किसी ख़ास चीज़ या शख्स या जगह के नाम को ज़ाहिर करे, जैसे पहाड़। ठीक है, ख़ास मतलब हर पहाड़ को आप पहाड़ ही कहेंगे, हर किताब किताब ही कहलाएगी, तो ये क्या है? ख़ास है। ठीक है, तो इसम इसम नकरा कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इसम मारफा की किस्में। इसम मारफा की कितनी इकसाम है? 4। ठीक है, आपके सामने 4 इकसाम होंगी, देखिएगा। इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मासूम। ठीक है, सबसे पहले हम इसके मुताबिक इसम इलम की तारीफ देखते हैं। वो इसम है जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, जैसे शायर मशरक गालिब, शायर मशरक यानी कि या गालिब या मिठू, इब्न कासम, शमसुल उलमा वगैरह, यानी कि ख़ास नाम को ज़ाहिर करना, शायर मशरक अलामा इकबाल का तखल्लुस है। ठीक है, इसी तरह इसम आगे, अब मज़ीद इनकी इकसाम चलती हैं। ठीक है, इसम अलम की आगे से इकसाम है 5, खिताब, लकब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा ध्यान से, तवज्जो से पढ़ना है आपने। उसके बाद है खिताब, सबसे पहली जो उसमें इसम इल्म की इकसाम में से सबसे पहली किस्म आ जाएगी खिताब, कि वो इसम मारफा है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए। ठीक है, जैसे रुस्तम ज़मां, शमसुल उलमा, खान बहादुर, ये हुकूमत की तरफ जो खिताब दिए जाते हैं उनके नाम। ठीक है, लकब, वो इसम मारफा जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन इस तरह से याद रखनी है, सवाल आ सकता है कि पूछा जाए कि वो इसम मारफा जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, लकब कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से आती होगी तो आप बता सकते हैं कि जी उसे लकब कहते हैं, जैसे मूसा कलीमुल्ला का लकब, कलीम मूसा का लकब कलीमुल्ला है, ईसा रूहुल्लाह कहलाते थे कायद आज़म। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म और कायद मिल्लत राना लियाकत अली खान। ठीक है, उसके बाद है जी तखल्लुस, वो मुख्तसर नाम जो शायर हजरात अपने अशार में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, जैसे इब्राहिम ज़ौक, असदुल्ला खान गालिब। ठीक है, ये देखें ज़ौक और गालिब के ऊपर तखल्लुस है उनके। ठीक है, ये तखल्लुस कहलाते हैं किसी शायर के साथ। कुनियत है फिर वो इसम जो बाप, माँ या बेटे या किसी और ताल्लुक की वजह से पुकारा जाए, जैसे इब्ने खताब,
यानी कि खिताब का बेटा, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, अबुल कासम, कासम का बाप, ठीक है। इन ये सारी इसकी मिसालें हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह ही याद करनी है। इसके बाद आ जाइए इसम उर्फ। वो इसम जो या तो वालदैन बचपन ही से बच्चे का प्यार से एक नाम रख देते हैं, या असल नाम बिगड़ कर, या फिर किसी इंसानी खूबी या नक्स की वजह से इसका एक नाम मशहूर हो जाता है, जैसे मिट्ठू, चंदा, मून, इस तरह के, ठीक है। तो उर्फ यह है प्यार का जो नाम दिया जाता है घरों में, ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ तक आपका ये ग्रामर वर्क है आज। अगला इसम ज़मीर लिखा हुआ है, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने ग्रामर वर्क के साथ आपकी एक एप्लीकेशन ऐड की है आज, ठीक है। एप्लीकेशन आपने देखनी है, ठीक है। सफ़ा नंबर 68 पे आपकी एप्लीकेशन है, सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त। तो बच्चों, दरख्वास्त सर्टिफिकेट के हसूल के लिए है, जैसे कि इसी से पता चल जाता है कि आपने सर्टिफिकेट अपना लेना है तो किससे, स्कूल से लेना है। तो मुखातिब किसको करना है, हेडमास्टर साहब को, ठीक है। तो टेक्निकल बातें हैं वो आपने देखनी है, बाकी आप दरमियान में कुछ भी लिख लें, ठीक है, अपने टॉपिक के मुताबिक, ठीक है। तो इसकी टेक्निकल बातों में इसको कैसे आ जाती हैं चीज़ें, वो भी आप देखिए। आपको पता है कि शहर का नाम नहीं लिखना, अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है, स्कूल का नाम अपना मेंशन नहीं करना, ठीक। तो बाकी में जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल, अब आगे जो ज़िला लैया वगैरह लिखा है ये नहीं लिखना आपने। जैसे आप लाहौर में रहते हैं तो अपने शहर को मेंशन नहीं करना, नहीं बताना, ठीक है। बाकी में जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल कोई भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद निचली लाइन में आइएगा, जनाब आला, ठीक है, मुखातिब कर रहे हैं ना, तो आपने क्या लगाया, हाइफन लगा हुआ है साथ, आपने देख लेना वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपका टॉपिक है उसको ब्रीफ करना है, मतलब है कि सर्टिफिकेट के हसूल के लिए, तो क्या लिखेंगे, गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब का तबादला दूसरे शहर में हो रहा है। अब इसमें समनाबाद उन्होंने लिखा है, आपने शहर नहीं मेंशन करना, तो आप करें दूसरे शहर में मुंतकिल हो रहे हैं, ठीक है, और मुझे भी अपने माँ बाप के साथ उधर जाना है, ठीक है, लिहाजा मुल्तमिस हूँ कि स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट मरहमत फरमाएँ, मतलब दे दें मुझे, अनायत फरमा दें। फ़क्त आदाब, और जी राइट हैंड साइड पर आपने तारीख लिखनी है, तारीख जो भी आपकी आज की करंट बन रही होगी, 10 जनवरी 2008 लिखी है, और ईस्वी का साइन है, हमज़ा लगाना है, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपने दरख्वास्त गुजार, यानी कि जो दरख्वास्त लिख रहा है उसने अपना नाम लिखना है, तो नाम की जगह आप क्या लिखेंगे, अलिफ बे जीम, ठीक है, अलिफ बे जीम के दरमियान डॉट नहीं लगाने, ओनली अलिफ बे जीम, आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आज आपकी एप्लीकेशन, जो कि आपने उम्मीद है अच्छी तरह सुनी होगी, ये अब आपने अच्छी तरह याद करनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।